हेलो फ्रेंड, स्मार्ट स्टडी विद एसआर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। आज 29 अप्रैल है। आज से संबंधित क्वेश्चन होंगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस राज्य के CM ने COVID-19 के प्रकोप के चलते राज्य के सभी सार्वजनिक समारोह पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है? ए बिहार, बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। आपको आंसर बता दें, आंसर सी उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है किस राज्य के CM ने COVID-19 के प्रकोप के चलते राज्य के सभी सार्वजनिक समारोह पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश का, यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2020 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कक्षा में कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? ए 10, बी 20, सी 25, डी 30। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 30। आपको याद रखना है हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 2020 में कितने वर्ष पूर्ण किए हैं? 30 वर्ष। कितने किए हैं? 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रैल 2020 में कौन सा देश अपराध करने वाले नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं देगा? ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी यमन, डी ओमान। आपको आंसर बता दें, आंसर बी सऊदी अरब। आपको याद रखना है कौन सा देश अपराध करने वाले नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं देगा? सऊदी अरब। कौन सा? सऊदी अरब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2020 में जीवन शक्ति योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी केरल। आपको आंसर बता दें, आंसर ए मध्य प्रदेश। आपको याद रखना किस राज्य के CM ने अप्रैल 2020 में जीवन शक्ति योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। कहाँ के ने किया? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ए उड़ीसा, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। आपको आंसर बता दें, आंसर बी हरियाणा। आपको याद रखना है किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? हरियाणा। कहाँ नहीं किया? हरियाणा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने एक हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है? ए असम, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी कर्नाटक। आपको आंसर बता दें, आंसर ए असम। आपको याद रखना है किस राज्य के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने एक हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयले खनन की सिफारिश की है? असम ने। किसने की है? असम ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, जरीना हाशमीन का निधन हो गया है, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थीं? ए राजनीति, बी कला, सी खेल, डी व्यापार। आपको आंसर बता दें, आंसर बी कला। आपको याद रखना है जरीना हाशमीन का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थी? कला से। किस खेल से? कला से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के CM ने COVID-19 से मरने वाले श्रमिक पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी गुजरात। आपको आंसर बता दें, आंसर सी उड़ीसा। आपको याद रखना किस राज्य के CM ने COVID-19 से मरने वाले श्रमिक पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है? उड़ीसा ने। किसने किया? उड़ीसा ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 अप्रैल, बी 26 अप्रैल, सी 27 अप्रैल, डी 28 अप्रैल। आपको आंसर बता दें, आंसर डी 28 अप्रैल। आपको याद रखना काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर अमित मित्रा की अध्यक्षता में कोविड प्रबंधन पर किस राज्य ने एक कैबिनेट समिति का गठन किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। आपको आंसर बता दें, आंसर ए पश्चिम बंगाल। आपको याद रखना है डॉक्टर अमित मित्रा की अध्यक्षता में कोविड प्रबंधन किस राज्य ने एक कैबिनेट समिति का गठन किया है? पश्चिम बंगाल ने। किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने।
थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही करंट की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।